तो तू क्या कर रहा था वहां? अपन से आके मिल। चिराग को रिहा कर दिया गया। तुम तो वाकई जोरू का गुलाम निकले राज। उस पूर्णिमा के कहने पर ही तुमने चिराग को छुड़वाया है ना? इस मौड़ी को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की इजाजत दी किसने? मैंने पापा। पूर्णिमा मेरी पत्नी है और उसी के साथ साथ इस घर की सदस्य है। अब उसके नाम के साथ रघुवंशी जुड़ा है। अब ये बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, राज, वो क्या ना कि हमला मेरी बीवी पर हुआ था। मुझे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें चिराग का हाथ नहीं है। बड़ों की बातों को नकार कर बीवी का दामन थाम ही लिया ना। न जाने इस परिवार में इस मौड़ी के आने के बाद और क्या क्या देखना बाकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ी शिव प्रणाम। सुमित्रा, तुमने बताया नहीं कि पंडित जी पधारने वाले हैं? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, कोई नहीं। पंडित जी आइए, स्वागत है आपका। आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आइए। ब्राह्मणों को अपन ने बुलाया बाऊजी। बाऊजी से संबोधन नहीं। और इतना बड़ा फैसला तुमने किससे पूछ के लिया? वो दादाजी की जन्मतिथि है ना आज, और अपन को पता चला हर साल उनके जन्मदिन के दिन आप लोग ब्राह्मण भोज रखते। और ऐसा करने के लिए किसी ने कहा तुमसे? तुम्हारे इस घर में कदम रखते ही मेरे बाऊजी चल बसे। अब ये नाटक कर रही हो तुम? पापा, फिर वही बात है। पूर्णिमा जो कुछ भी कर रही है अपने लिए नहीं कर रही है, तत्व के लिए कर रही है। और आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए। आप नाराज इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण भोज करवाया जा रहा, बल्कि नाराज इसलिए है कि पूर्णिमा करवा रही है। हाँ, क्योंकि मेरे बाबूजी की याद में कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है, इस दो कौड़ी की मौड़ी को नहीं। पापा प्लीज। रजनीश, इस मामले में मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। आगे से आपसे बिना पूछे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर आज ब्राह्मणों को खाना नहीं खिलाया तो उनका अपमान हो जाएगा। अपन को माफ कर दीजिए। रजनीश, अगर आज घर में कुछ भी गड़बड़ हुई ना इस मौड़ी की वजह से, याद रखना पंडित जी, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर वर्ष की तरह आज भी आपने वैसे ही ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। आपके पिताजी का आशीष बना रहे आप सब पर।